आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के क्रिस्पी और करारी स्प्रिंग रोल, और आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्रिस्पी रहते हैं लंबे टाइम तक। तो चलिए मिलके बनाते हैं। स्प्रिंग रोल के लिए हमने ये सारी सब्जियां यहाँ पे ली हैं। एक मीडियम साइज की गाजर है, एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी, 15 से 20 बीन्स, 2 हरी मिर्च ये ऑप्शनल है, 2 प्याज, 3 शिमला मिर्च मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि 3 शिमला मिर्च कई जगह नहीं डाली जाती है, और क्यों नहीं डाली जाती उसका रीज़न आपको आगे बताता हूँ। वेजिटेबल की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मतलब कि मीज़ा प्ला हो चुका है। अब वेजिटेबल के अलावा यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक भी लिया है, और इसके अलावा स्प्राउट का भी इस्तेमाल किया है, और आप चाहें तो इसके अंदर टोफू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको कुक कर लेते हैं। यहाँ पे लिए हमने एक चाइनीज़ वॉक जो कि आयरन की है, और ये काफ़ी पतली होती है। अगर आपके पास में नहीं है कोई बात नहीं, जो घर की कढ़ाई होती है पतली वाली लोहे की उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह गर्म करना होगा। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह गर्म कर लिया है, तेल डाल के इसको सीजन भी कर लिया है जिससे कि इस पर चिपकेगा नहीं। और अब दोबारा से तेल डाला मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा गर्म किया है तेल को, और गैस की फ्लेम को फुल रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लहसुन डाल देंगे, और ये गया अदरक। यहाँ पे कुकिंग होगी हाई फ्लेम पे। जिंजर और गार्लिक को ज़्यादा नहीं भुना जाता है इंडियन कुकिंग की तरह, हल्का सा भुना जाता है, और कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। फटाफट से यहाँ पे ऑनियन और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को कम नहीं रखेंगे, यहाँ पे फुल ही रखेंगे, हल्का सा सौते करना है। अगर गैस की फ्लेम को मैं कम कर दूंगा तो प्याज में से पानी निकलने लग जाएगा, सब्जियाँ पानी छोड़ने लग जाएगी, इसलिए ये जो कुकिंग होती है यहाँ पे ये फुल फ्लेम पे होती है। हल्का सा टॉस किया जाता है सब्जियों को, जब टॉस किया जाता है तो एक स्मोकी फ्लेवर यहाँ पर डेवलप होता है। प्याज हल्का सा सौते हुआ है, ब्राउन तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ब्राउन होगा भी नहीं इसके अंदर क्योंकि ऑयल कम है। अब गए बेल पेपर, मतलब कि कैप्सिकम, इसको भी हल्का सा टॉस करेंगे। कैप्सिकम कई जगह इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि कैप्सिकम डालने की वजह से ये लंबा नहीं चलती हैं। होटल रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगले दिन भी खिलाई जाती हैं, उनको रखा जाता है। अगर आप इनको बना के रख देंगे जो कैप्सिकम है, स्मेल जल्दी मारने लग जाती है। दूसरा, ये पानी छोड़ती हैं तो जो स्प्रिंग रोल है वो गीले हो जाते हैं, यही रीज़न है कि कई जगह कैप्सिकम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये गई हमारी गाजर, कैबेज और बीन्स। सबसे पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं इसको। इस रेसिपी में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ की जाती है वो की जाती है सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका दिया जाता है। अगर सब्जियां पकाते पकाते यहाँ पे पानी आ रहा है ना, तो समझ लीजिए गड़बड़ हो गई। देखिए बिल्कुल सूखा है, और ऐसा ही सूखा रहना चाहिए वॉक, तभी सब्जियाँ सही ढंग से सौते होंगी। अगर पानी आने लग गया मतलब कि सब्जियाँ गलने लग गई हैं। सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है यहाँ पे। 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 बड़ा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, हल्की सी स्वीटनेस के लिए, ज़्यादा नहीं डालना। 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए या उससे कम भी डाल सकते हैं आप। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे सिजवैन सॉस या फिर चिली पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो जो मार्केट में हमको मिलती है चिली सॉस उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। जल्दी जल्दी इसको ऊपर नीचे कीजिए और जो सॉस है उसको पकाइए। सॉस को इस तरह से बिना पानी डाले जब पकाया जाता है तो एक स्मोकी फ्लेवर डेवलप होता है यहाँ पे। मुश्किल से 1 मिनट हमने और सौते किया है इसको, और अब डालेंगे हम यहाँ पे स्प्राउट। स्प्राउट को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 बड़े चम्मच वेज एरोमेट पाउडर या फिर टेस्ट के हिसाब से, ये नमक का काम करता है इसलिए मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब ये चीज़ डालने के बाद 1 मिनट और चलाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी कम नहीं किया है, अगर गैस की फ्लेम को कम करूँगा तो सब्जियाँ पानी छोड़ने लग जाएंगी। और लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे श्रद्धानुसार धनिया, क्योंकि हम इंडो चाइनीज स्टाइल बना रहे हैं, और धनिया डालने के तुरंत बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सीजन में अगर आपको हरा प्याज मिलता है तो उसमें ज़रूर डालें, हरा प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। अब इस सब्जी को फैला के फटाफट से ठंडा करना होगा, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो सब्जियाँ और सॉफ्ट हो जाएंगी। और स्ट्रेनर में डाल रहा हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सब निकल जाएगा नीचे से। सब्जियों को फैला देते हैं अच्छी तरह से, और आप चाहें तो किसी पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, जल्दी ठंडी हो जाएंगी। जब तक हमारी वेजिटेबल ठंडी हो रही है तब तक बनाएंगे हम यहाँ पे बैटर, किसके लिए, स्प्रिंग रोल के लिए। तो ये है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। अब आपके दिमाग में आएगा भाई मिल्क पाउडर कैसे डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इस रेसिपी के अंदर डलता है एग, और एग तो हम डालेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम इसको सॉफ्टनेस के लिए मिल्क पाउडर और मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले दूध डालता हूँ, हल्का सा इसको डाइल्यूट करने के लिए। मिल्क पाउडर डाइल्यूट हो गया, यहाँ पे दूध डाल देंगे, थोड़ा बचाएंगे, और यहाँ पर डलेगा कॉर्नफ्लावर और मैदा। ये लगभग आधा आधा है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो आधा कप कॉर्नफ्लावर
और आधा कप यहाँ पे मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगातार चलाते हुए दूध डालेंगे यहाँ पे, और ये देखिए कितना गाढ़ा बैटर यहाँ पे रेडी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं बनाना है, इसके पीछे एक राज है, इसको भी फेंटना होगा। लेकिन फेंटने से पहले हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ये देखिए नाइफ से डाल रहा हूँ मैं, इतना ही डालना है, 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर हल्के से फ्लफीनेस के लिए। अगर ज़्यादा डल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फूल जाएगा वो, इसलिए मैंने नाइफ से डाला है 2 चुटकी या फिर 3 चुटकी, इससे ज़्यादा मत डालना। अब इसको देखिए फेंटना है लगातार, इस तरह से फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्मूथनेस के लिए, एयर वाइब्रेशन के लिए। इस बैटर को इस तरह से फेंटते हुए लगभग मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अच्छी तरह से फिट चुका है, हर चीज़ आपस में मिल चुकी है, एक स्मूथनेस इसके अंदर आ गई है। ये देखिए अगर मैं इस बैटर को उठाता हूँ इस तरह से, कितनी लंबी लेयर बन रही है। अब डालेंगे इसमें पानी, अब इसको बिल्कुल पतला करेंगे, जितना गाढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा ही ये मोटा बनेगा। और यहाँ पे रेडी हो गया एक पतला बैटर, अब देखिए कितना पतला हो चुका है ये, उंगली में डाल के तो किस तरह से बह रहा है, ये उंगली में रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब परफेक्टली ये हो चुका है। जब हम बनाते हैं तब भी हमको पता लग जाता है कि भाई गाढ़ा है या पतला है, तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। यहाँ पे लिए हमने एक पैन, और इसमें डाल रहे हैं 2-3 बूंदें तेल की, और जो तेल हमने डाला है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। आप चारों तरफ से फैला दिया है, एक ग्रीजिंग हमने कर दी है। पैन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, कि अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो क्या होगा, डालते ही जम जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही इसको रखना है। और आपको इस तरह से हाथ लगाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादा पैन गर्म तो नहीं है। बैटर को जब भी आपको डालना है एक दो बार इसको स्टर करना है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ये डाल दिया एक लैडल, फटाफट से घुमाया, और ये गया एक्स्ट्रा इसमें। कोशिश करना है इसको पतला बनाने की, पतला बनेगा तो बेहतर बनेगा, बस इतना पतला होना चाहिए कि आसानी से फोल्ड हो सके, आसानी से इसको उठाया जा सके। इसकी क्या पहचान है कि ये हो चुका है, इसकी किनारियाँ ही छोड़ने लग जाएगा, और हल्की सी किनारी इस तरह से निकालिए इसकी, और ये इस तरह से निकलने लग जाता है। यहाँ पे एक मैंने प्लेट ली है, और इसमें डाल रखा मैंने कॉर्नफ्लावर पहले से, और ये गया हमारा स्प्रिंग रोल की शीट। कॉर्नफ्लावर इसलिए लगा रखा है क्योंकि चिपके नहीं, और हल्का सा कॉर्नफ्लावर और छिड़क दीजिए इस पर, जो दूसरी शीट आएगी उस पर चिपकेगी नहीं। शीट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई, और शीट को चेक करने का तरीका कि परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है, ये देखिए कितनी पतली है कि नीचे की तरफ से मेरी उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं, इतनी पतली होनी चाहिए शीट। जितनी पतली शीट होगी उतना ही बढ़िया होगा, बस शीट पतली बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आराम से फोल्ड हो सके, घूम सके, उठा सके। यहाँ पे शीट में ये चारों तरफ से हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं, मतलब थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इनको आप ट्रिम कर सकते हो इस तरह से। स्प्रिंग रोल की शीट को हमेशा ढक के रखें, कवर करके रखें, वरना ये सूख जाती हैं। ये रही हमारी सब्जी जो हमने पहले से ठंडी होने के लिए रखी हुई थी। अब ये देखिए नीचे कितना सा पानी निकला है, नाम भर का, तो मतलब हमने सब्जियां अच्छी तरह से पकाई है, मतलब सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। अगर सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता। एक शीट हमने ले ली है, अब इसको इस तरह से रखना है, जहाँ से पैन टच हुआ था वो वाली शीट को अंदर की तरफ रखना है। इस तरफ में कलर अच्छा आता है, गोल्डन ब्राउन अच्छा होता है। ये वही बैटर है जिससे हम स्प्रिंग रोल की शीट बना रहे थे, थोड़ा सा हमने बचा के रख लिया है इसकी स्लरी के लिए। ये गई हमारी वेजिटेबल्स, ये लगेगी स्लरी, चारों तरफ से लगाइए लेकिन थोड़ी थोड़ी सी, एक फोल्ड इस तरह से और दूसरा फोल्ड उठा के इस तरफ से, ये हो गया। हल्की सी स्लरी यहाँ पे भी लगा दीजिए, और अब ये वाला फोल्ड उठाना है और इसको ऊपर रखना है। यहाँ पे हाथ को इस तरह से रखना है कि टाइट रहे, ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट फोल्ड कर दीजिए इसको। हल्का सा और स्लरी लगा देंगे लास्ट में, जिससे आसानी से चिपक जाए। अब जहाँ से चिपका है उसको हमेशा इस तरह से रखना है, जिसकी वजह से और अच्छी तरह से चिपक जाए। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, और यहाँ पर रेडी हो गए हमारे स्प्रिंग रोल बनके। आप चाहें तो इनको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, क्लीन रैप करिए, अच्छी तरह से पैक करिए, फ्रिज में रखिए, आराम से 2 दिन तक चलते हैं। इससे ज़्यादा मत चलाइए, इससे ज़्यादा क्या होता है फिर गीले होते रहते हैं धीरे धीरे करके, फिर ये फटने लग जाते हैं। 2 दिन आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। ये जो सब्जी हमारे पास बच गई है इसका क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं भी आपको जवाब दूंगा थोड़े दिनों बाद। ऑयल मीडियम टू हाई फ्लेम पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी ठंडा रहा ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेगा ये। इसको घुमाते घुमाते हुए फ्राई करना है, जब तक एक बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और यहाँ पे आ गया एक बढ़िया सा गोल्डन कलर, अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह से हम सारे स्प्रिंग रोल फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं बढ़िया वाले क्रिस्पी, ये बहुत ही शानदार। एक को काट के देखें भाई, इसकी आवाज़ बोल रही है कि बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, कहीं से भी ऐसा लग रहा है घर पे बनाए हुए हैं।
ऐसे लग रहा है जैसे हम मार्केट से लेके आए होंगे। आजकल शीट मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाती है। खाने का तरीका यही है कि गर्मा गर्म खाइए इसको।